गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को ये छोटी सी दुनिया में। दोस्तों सुबह सुबह लग रहा कि आज कोलाई का काम खत्म हो जाएगा। बहुत सारे काम करने वाले लोग आ चुके हैं और सुबह 6 बजे से लगे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किधर काम हो रहा है। मैं तो अपना ना हाथ धोवा के चकाचक हो गई कि कुछ अच्छा सा बनाऊंगी काम कंप्लीट होने के खुशी में। तो आप लोग पिछला वीडियो देखे, बहुत इंजॉय किए, बहुत सराहे कि बहुत अच्छा बना है आपका मड़ी, बहुत अच्छा बना आपका मड़ई। और कितने सारे दोस्तों को बहुत दुख भी हुआ कि काफ़ी सारा सामान जो था ना नुकसान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसी का नाम जिंदगी है। और काफ़ी सारा क्वेश्चन है आप लोगों का तो मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं दिखाने वाली हूँ हरियाली और काम और नीला नीला गगन। नीला नीला गगन में देख रहे हैं कितना मस्त है से इधर तक। हेलो दोस्तों, चाय पी लो। चाय पिला लो, पेंट कर लो। भाई देख रहे हैं इधर सब पेंट पे लगे हुए हैं। बहुत काम है इसलिए करना पड़ेगा। ये प्लांट जो है ना, प्लांट पे नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। प्लांट 1,500 रुपये बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ अपनी दिहाड़ियों का। हाँ चाय, 550 रुपये मुझे मम्मी 400 ही देती, कहते ना घर की लेबर। हाँ तो इनका भी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जग गई है। ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसके ऊपर प्राइमर लगेगा और कुछ आसमान इस तरीके का नीला नीला हो गया है। बता दूंगी क्यों कर रहे हैं। और इधर देखिए सारा सामान इधर से उधर रखा हुआ है मेरा, पुश्तैनी अटैची वटैची है ये। ये जे देख रहे हैं इतना सारा हो गया है। इधर लाला जी भी लगे हुए हैं, ये भी कर ही रहे हैं इधर, लग रहा है सुबह से ही कर रहे हैं। क्या जी, मम्मी आप ही कर रहे हैं, आप भी आ जाओ। सुबह से ही लग रहा है कर रहे हैं। बनाए हो क्या पापा? खत्म हो गया। हाँ ये तो ये इतना ही ले गया था पापा, आज तो इसी में छोड़ दिया था मैंने। देख रहे हैं हलवा बना रहा है, हलवा बना रहा है। ये तो सब भैया लोग किए थे शाम को, अभी आने ही वाले हैं जस्ट भैया लोग हैं। ये बड़ा बड़ा क्रिएटर लोग कर रहे हैं। रात को ना, रात को मेरे में लाला जी में शर्त लगा था कि अगर ये गिर गया तो 500 रुपया दोगे आप, लेकिन गिरा नहीं है, बच गया। ये ऐसा क्यों, मैं क्यों, आप लोगों को कुछ ही देर में पता लगेगा। रेसिपी सूट डे है, मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा रेसिपी। आज क्या देख रहे हैं, बोल रहा है आज कैमरा मैन की छुट्टी है। कैमरा मैन की एक छुट्टी कोई नहीं होती है। एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। पता है कैसे, जब मर्जी हो गया तब स्टार्ट करना पड़ता है काम। तो कैमरा मैन छुट्टी पर नहीं रहेगा, पता है एक छुट्टी पे 4 दिहाड़ी कटेगी। मंजूर है? किधर रखी हूँ तो देख रहे हैं। ये डीजल गाड़ी, डीजल गाड़ी का बनाने वाला कौन ही अनु जी, सबको इसे कि आई लो, आज कैसे भी करके मन उबिया गया है, मतलब कि जल्दी जल्दी हो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा ना कि मतलब क्या बताएं, दिक्कतें दिक्कतें हो जा रही है। हाँ, मेरा तो कमर से उठाने जा रहा है, 2-3 दिन से ना ऐसा हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ। दवाई खा खा के चल रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, थोड़ा सा आराम मिल रहा है, वही जो दिल्ली वाला दवाई है वही। अब बाकी तो ये का चाय पी ला सो, तो ऐसी हो रहा है दोस्तों। मतलब मन उग गया है, काम कितना कराएंगे, एक मंथ से काम ही काम हो रहा है। हाँ, एक महीना से काम हो रहा है दोस्तों, सोचिए इतना ही काम कराने में पूरा 1 महीना लग गया। हाँ, 6 दिन के लिए घूमने गई थी, 1 महीना काम कराई। मेहनत तो है किसी काम में।
तो अभी बच्चे को करने दे अपना देखने। मम्मी यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हैं, आज बना रही हैं केले की सब्जी। और ये केला वही केला जो हमारे गार्डन में गिर गया था ना, तो मम्मी बोल रही हैं कोई नहीं उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, से कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। और इसके क्या बनाओगे मम्मी बताओ? हाँ रस्सेदार सब्जी। तो आज इसकी सब्जी बनेगी। वैसे केले का कोफ्ता ही बनता है ना मम्मी, इसी को घिस के बनता है ना, केले का कोफ्ता ही बन सकता है। तो अभी हम लोग पियेंगे अपना नारियल पानी। ये रहा हमारा हरा भरा नारियल पानी। पापा इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। हम लोग भाई अपने बाजार में से खरीद के लाए थे और मिल नहीं रहा था ना पापा, बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था। इस बार पापा को दिखा था, पापा ने खरीद लिया। सबसे ज़्यादा मज़ा तो भाई पूरी में नारियल पानी पीने का और उड़ीसा में, है ना मम्मी? गांव में नहीं मिलता है। गांव में कहाँ मिलता है ज़्यादा, यहाँ रेट भी बहुत महंगा है और मिलता भी बहुत कम। ये नारियल पानी हमें 10-15 रुपए का मिल जाता था पूरी में, पर यहीं पे नारियल पानी 60-70 रुपए का मिलता है। बताओ वहाँ पे उड़ीसा में 30-40 रुपए का, उड़ीसा में 30-40 रुपए। बताओ यहाँ पे क्या यार, कि कभी कभार सीजनली पी लेना चाहिए ना पापा, सेहत के लिए अच्छा रहता है। जरूरी नहीं है कि भाई डॉक्टर बोले जब ही पियो, जब कोई बीमारी है तभी पियो, उससे पहले यार ही पी लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पापा तो ये कहते हैं जो पैसे डॉक्टर को देने उससे बढ़िया खाने पीने में लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं ना, एक बार ना अंजलि जी का तबीयत खराब हुआ और लकी ललित का, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, MBBS के पास, लेडीज थी उनके पास मैं गया। मैं बराबर जब मैं जाता था 5:30 बजे ड्यूटी करके तब जाता था उनके पास। मैडम थी वो अपने यहाँ का थी, इधर सिवान की तरफ की, तो मेरे से बोझी 2-3 दिन दवाई दी और बोझी कि आप दवाई का पैसा हरदम हमें देते हैं, पर तो हफ्ता में आपका बेटा बेटी आता ही है। उस समय ना नमूनिया टाइप का हो गया था, तो वो आते ही आप लोग पेंट हरियर का उठा दो, दू गो अथी वाला मत उठाइए, सब पेंट हम मिलवा दी। एक के भाव का हो जाई सारा डेट ले बनता न, तो आधा के जहर का जो ना देखे, जो मिला के देख लेता नहीं आएगा। सब के एक में फेंक दी, एक भाव के हो जाई तो हां ई मिलाओ दे चला ना, और वो जो अब वो जो भाई 1 किलो का पियर आगो हरियर बाटे डिबवा खोल हम बता नहीं ले लकी 5 मिनट में। मैं हर हफ्ते अंजलि को लेकर जाता था, वो क्या होता था ना वो निमोनिया टाइप का निमोनिया हो गया था, तो बोले कि बच्चों को फल सब्जियां खूब खिलाइए और हमारे पास कम आइए। मतलब जितना बच्चों का आप मेरे दवाई का पैसा जितना देते हैं ना उतना अगर बच्चों को खिलाएंगे। अब वैसे ही हुआ, थोड़ा सा बड़े हुए मैं फल से ऊपर सब ध्यान देने लगा, केला टाइम से जूस सब, धीरे धीरे बीमारी बढ़ते भी गए तो निमोनिया बड़ा होने पर ख़त्म भी हो जाता है। और वैसे सेहतमंद चीज़ खाना चाहिए, मेरे ही सोचना चाहिए कि डॉक्टर बताएगा तभी खाना चाहिए। ये लो मम्मी आपके लिए स्पेशल बना के, पी लो यार पहले ठंडा ठंडा नारियल पानी। देख रहे हो आप ही बोली बना के पीती और पापा ले ली पड़े खाते ना गुरु है दादी। देखो बरबट्टी देने आई थी और यहाँ पे सब लोग नारियल पानी पियेंगे। अबे तेरे तो गर्दन तक पेंट लग गया अंजलि, ऊपर से करती थी। तो नारियल पानी से हमारी शुरुआत होगी दिन की, पानी नहीं तो पिया ही है, कुछ खाया नहीं अभी तक। और फिर चलते हैं अपने काम पर। तो मेरी मम्मी रेसिपी शूट कर रही थी और मैं पेंट कर रही थी, क्या से पापा बोले नारियल पानी पी लो, तो कल से ला के रखा हुआ है। और एक वो चीज़ भी है, अगर वो जल्दी नहीं हुई तो नीचे गिरेगी धम। पानी भी नहीं है, ले एक के अंदर फोड़ा, उसके अंदर कुछ नहीं निकला, अभी दूसरे के अंदर देख रहे हैं। आराम से लगी इसके अंदर है। अरे मम्मी चम्मच रुक चम्मच लाओ यार, लाओ। तो जो कल हमने अमरूद तोड़े थे ना, अब उसको खा ले रहे थोड़ा सा, क्योंकि भूख तो लगी गई है। तो ब्रेकफास्ट में हम अपना अमरूद ले रहे हैं और यहाँ पे देखो ये इतना कर दिया, अच्छा लग रहा है ना। ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना।
हाँ यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस पर कलर करवाएं, प्राइमर मरवा देंगे। कितना सुंदर लग रहा है, बादल के साथ और अच्छा लग रहा है। इधर का हुआ है और अब इधर का पापा कर रहे हैं। पापा आ गए सीरियल के। पापा आ जाओ, अमरूद खा लो। तो भाई आज आ गए हैं हमारे पास आम। मैं आपको आम दिखाता हूँ, ये देखो। करो भाई पाकियो सकता। अब मैंने सब गछी अब लग गई बा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि केले का कौन कौन सा रेसिपी आप लोगों को देखना है, हैं? क्योंकि पूरा घोवदे खराब हो गया है। देखिए एक घोर खेत में एक घोर ही है, दो केला फूटा था, दोनों केला खराब। समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ऐसा हुआ। फल खराब होता है ना तो बड़ा दुख होता है दिल में, क्योंकि उस पेड़ को ना एक साल से पाले हैं, हैं? और फल का टाइम आया तो फल खराब हो गया। यहाँ पे देखो भाई, मम्मी आम की चटनी बना रही हैं। और आम की चटनी में बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी सारे लोगों को बहुत पसंद आती है। मुझे तो समोसा भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। समोसा के साथ? समोसा के साथ ऐसे भी सही लगती है, रोटी के साथ भी ठीक लगती है। अंजलि भी आ गई है और यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं आज बहुत ही स्पेशल खाने की। उसको ना ही गैस पे पकाना पड़ता है और ना ही कुछ करने की झंझट, फटाफट बन जाने वाला हमारे गाँव का फेमस सतुआ। ठीक है, सतुए से हम लोग आपको दिखाएंगे। वैसे बहुत बार आपको दिखा रखे पर आज दोबारा दिखाएंगे सतुआन करके। और मम्मी यहाँ पे चटपटे के लिए बना रही है मिर्ची। ठीक है, तो ये भाई भैया लोग भी आ रखे हैं और भैया लोग भी खाएंगे। इसके अलावा कुछ तो जायकेदार होना चाहिए ना। द शेफ अनीता जी के घर पर हैं भाई। तो यहाँ पे भाई सारा सामान आ गया है। आज एक के जगह सतुआ सनाई, अब भर पेट खाई जाएगी। एकदम मस्त। आइए, हमारा हिस्सा मिला है। आम का चटनी डालो। राउर फेवरेट, लाला जी के भी फेवरेट। रवा ले लो भाई। आज खाना खा गया, बड़ा मजा आया। तो सत्तू ज्यादा नहीं खाया जाता है, पर फिर भी जितना खाया जाता है भाई, फिर भी पेट भर गया मेरा। हेलो मैं। और अभी हम लोग जो भी सुखाने खाने वाला वो काम करेंगे। सुबह से हमारी भाई मतलब पूछो मत, अच्छे खासी एक्सरसाइज हो जाती है। पहले पेंट कर देते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते बनाते, और थोड़ा बहुत अभी यहाँ का काम है, फिर खेत में काम है। यहाँ पे भी पापा चीज़ें सुखा रहे हैं सारी। यहाँ पे मम्मी ने देखो सारी चीज़ें रख दी है बाहर निकाल कर, जो भी हैं। ऐसा लग रहा है जो पेंट कर रहा था वो लग रहा है ना पूरा गायब हो रखा है, कुछ नहीं है ना मम्मी। वाइट पेंट कर देने से ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है भाई, डायरेक्ट लग रहा है कि आर पार है। भैया लोग अभी वहाँ पे पेंट कर ही रहे हैं, आज चलेंगे शाम को तो आपको दिखाएंगे भाई।